गेंद बदल दो, मैदान बदल दो, वक्त बदल दो, जज्बात बदल दो, लेकिन नहीं बदलेगा तो सुमन गिल का अंदाज। सुमन गिल का बल्ला तो रन उगलेगा ही उगलेगा, दुनिया के आप किसी भी मैदान पर खिला दो, किसी भी समय किसी भी सिचुएशन पर गिल को उतार दो, भैया ये रन बनाएगा। ये सुमन गिल है, ये सुमन गिल इस साल 2023 में सबसे ज़्यादा रन निकले सुमन गिल के बल्ले से। और आज एक बार फिर से सुमन गिल ने जड़ डाला सैकड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले T20 मुकाबले में। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला गया, जहाँ सुमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन सुमन गिल ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की वो वाकई में काबिल तारीफ है। वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले इस प्रकार की नॉक खेलना वाकई में काबिल तारीफ है। सुमन गिल ने ODI मुकाबलों में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी 3 ODI मैचों की सीरीज खेली गई। हालांकि तीसरे ODI मुकाबले में सुमन गिल को आराम दिया गया था, इसीलिए भारत तीसरे ODI मुकाबले में हार गया। कहीं सुमन गिल होते तो उस रन को भी चेस कर लेते जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 352 रनों का लक्ष्य हिंदुस्तान की टीम को दिया था। लेकिन इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था टॉस और किया था पहले बल्लेबाजी का फैसला, जिसके बाद सुमन गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित उतरे थे मैदान पर हिंदुस्तान की शुरुआत करने के लिए। और अच्छी और तेज तर्रार शुरुआत दी इन दोनों ही धुरंधरों ने। इन दोनों के बीच में 74 रनों की पार्टनरशिप होती, जिसके बाद रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन विराट कोहली फिर सुमन गिल का बेहतरीन तरीके से साथ निभाते, जिसके बदौलत सुमन गिल इसे पहले T20 मुकाबले में अपना शतक पूरा करते हैं। सुमन गिल ने अपने इस शतक के लिए 34 गेंदों का सामना किया, जिसमें उनके 8 छक्के और 6 चौके इस पारी में शामिल रहे। लेकिन विराट कोहली ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की, हालांकि विराट कोहली 49 रन बनाकर के आउट हो जाते हैं, वो भी रन आउट होते हैं सुमन गिल की एक छोटी सी गलती की वजह से। जिसके बाद श्रेयस अय्यर भी मैदान पर आते, लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाते और 6 गेंदों में 9 रन बनाकर के आउट हो जाते। लेकिन उसके बाद KL राहुल ने हालांकि बेहतरीन बल्लेबाजी की। KL राहुल के बल्ले से चौके और छक्के भी देखने को मिले, 45 रनों की पारी खेली KL राहुल ने। और उसके बाद बात करें हम सुमन गिल की, तो सुमन गिल भी आउट हो जाते हैं, जिसके बाद क्रीज पर आते हैं रविंद्र जडेजा और KL राहुल ने भारत को 200 के पार पहुंचा। भारत ने पहले T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने 206 रनों का एक स्कोर दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बस की बात थी नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इसको चेस कर पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक समय पर पहले दूसरे ओवर में ही पैनिक कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ाई और फिर एक एक करके ऑस्ट्रेलिया का हर एक बल्लेबाज आउट होता चला गया। और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम 145 रन पर ढेर हो जाती है। इस प्रकार से भारत ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया। लेकिन दूसरा T20 मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।